सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआ से हम सब खैरियत हैं और दुआ करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, मैं हूँ आज रेडफोर्ट में। नहीं, मैं रेडफोर्ट का एक्सप्लोर नहीं करने जा रहा हूँ। अगर उसका आपका पूरा ब्लॉग आपको मेरा देखना, मैंने ऑलरेडी पास्ट में एक्सप्लोर किया हुआ है, तो उसको देखने के लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा उन ब्लॉग्स का। दो पार्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया था, तो उसको जाके आप जाके पूरा ब्लॉग देख सकते हैं। बट आज जो मैं आया हूँ जिस रीज़न की वजह से, वो रीज़न है यहाँ के म्यूज़ियम। और वो ऐसे म्यूज़ियम है जो कि अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड है, और वो हिस्ट्री जो कि आपने हमेशा सुनी होगी, जब से आप बड़े हुए होंगे, समझदार होंगे, आपने वो हिस्ट्री ज़रूर सुनी होगी। बट हिस्ट्री सुनना और उसको जाके महसूस करना और देखना एक अलग चीज़ है। तो जी हाँ, उसी चीज़ को मैं महसूस और देखने आया हूँ आज इस रेड फोर्ट में, उन म्यूज़ियम को देखने और महसूस करने के लिए जिसमें 1847 के इवेंट्स हैं, जलियांवाला बाग के इवेंट है। तो ऐसे कई इवेंट हुए हैं जो पास्ट में, जिनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आप उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ऐसी हिस्ट्री पास्ट में हुई है, जो कि आप जब आप सुनेंगे तो आपको इतना फील और इतना कनेक्ट महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको देखेंगे और समझेंगे हकीकत में, तब जाके उन चीज़ों से और उस इवेंट से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वाकई में वो इवेंट हुआ है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ जाइए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वहाँ से आप एंट्री करेंगे, जो कि छत्ता मार्केट या बाज़ार से वहाँ से आप एंट्री करते हैं, और ये नौबत खाना गेट है। और साथ में आप देखेंगे तो यहाँ दीवाने आम का, यहाँ पे जहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे, और उसी से लगा हुआ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, जो कि ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है। जब ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे इसको कैप्चर किया, तो उन्होंने इस तरह की बिल्डिंगें यहाँ बनाई थी। कॉलोनियल टाइम की बिल्डिंग्स बोलते हैं, ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग बोलते हैं। और बाद में जब यहाँ से ब्रिटिशर्स का जाना हुआ, उसके बाद ये सारी गवर्नमेंट के अंडर में आ गई और उसका देखरेख करा जा रहा है, जैसे कि इन मॉन्यूमेंट्स का किया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही ये पूरा 1857 का इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का म्यूजियम। तो गाइज, अब हम लोग अंदर आ गए, और अंदर आप देखोगे तो 1857 से रिलेटेड जो भी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी यहाँ पे, जैसे तो यहाँ पे जैसे सारी चीज़ें आपको बताई, किस किस एरिया में वो टाइम पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, पूरा मैप के थ्रू समझाया गया है और पूरा उस टाइम के चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे हमारे लास्ट मुगल बादशाह बहादुर जफर की फ़ोटो है, और नाना साहब की फ़ोटो लगाई गई है, क्योंकि वो टाइम पर ये सब फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल को भी दिखाया गया। ये वो टाइम पे दे बैक फॉर ट्रेडिंग राइट्स, तो ऐसा वो टाइम पे जो भी चीज़ें होती थी, पूरा हर तरीके से पूरा पिक्चराइजेशन करके बताया और दिखाया गया कि आप देख सकते हो कैसा वो टाइम पे किया इन लोगों ने। और बाकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी तलवार दिखाई गई है, जो कि एक्चुअल आप देख सकते हो एक्चुअल तलवार है, वो टाइम की स्वॉर्ड ऑफ नाना साहेब पेशवा की तलवार है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो तीर, एक्चुअल वो टाइम पे तीर जो लड़ाई गई थी, और बहादुर शाह जफर पावर हॉर्न्स, ये देखो आप, क्या यार, ये देखो आप, ज़बरदस्त यार, सीरियसली। और यहाँ न्यूज़पेपर ऑफ 1857 भी दिखाई देगा, उस टाइम का पूरे न्यूज़पेपर है, अगर आप देखोगे तो एक्चुअल रियल न्यूज़पेपर है ये सारे। बहादुर शाह जफर का पेन होल्डर है, ये देखो आप, पेन होल्डर एक्चुअली, न्यूज़पेपर ऑफ 1857, मैप ऑफ शाहजहानाबाद, ओल्ड दिल्ली का मैप है, ये देखो आप, पूरा मैप आप देख सकते हो यहाँ पे, न्यूज़पेपर है, ये मैप है, ये उस टाइम का लेटर
to Bahadur Shah Zafar from Lord Collin about ban on cow sacrifice. उस time पे कुछ Britishers ने Bahadur Shah Zafar को भेजा लेटर, ये उसका actual है और ये bow and arrow आप देख सकते हो यहाँ पे, पूरा actual bow and arrow है, seriously. तो चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं. यहाँ पे भी सारे आप देखिए उसी टाइम की लास्ट बैटल ऑफ लखनऊ, यहाँ पूरा एक लखनऊ को उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन हुआ करती थी वो सारी चीज़ें बताई गई है. द मेजर प्लेसेस ऑफ बैटल इन अवध, ये सारे प्लेसेस हैं जो कि अवध में यूज़ उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, जैसे फूलपुर हो गया, बड़ी फौजादाबाद हो गया, सलीमपुर हो गया. तो ये सारी चीज़ें, ये जो सिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा वो टाइम पे नोन थी. और वहाँ के नवाब की फ़ोटो है ये लखनऊ की, और पूरा लखनऊ, ओल्ड लखनऊ उन्होंने उस टाइम का लखनऊ 1857 को दिखाने की कोशिश की है. बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे, इस डिटेल को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो. कुछ ऐसे भी वॉल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे पूरी उस टाइम की हिस्ट्री एक तरीके से नरेट की जाती है कि आप कैसे वो टाइम पे क्या सिचुएशन थी. तो आप यहाँ पे जो अगर आ रहे हैं तो आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से यहाँ बैठ के चीज़ों को समझ और महसूस कर सकते हैं कि वो टाइम पे क्या सिचुएशन थी. ये देखिए वो टाइम का पुराना अवध 1857 में क्या सिचुएशन थी वो टाइम पे आप देख सकते हो. इसमें सामने आप देख सकते हो कि सामने भी बहुत सी चीज़ें हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो अटैक ऑन द डे ऑफ बकरीद, यहाँ पे बकरीद की डे पे यहाँ पे अटैक हुआ था, जिसकी हिस्ट्री यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. कि यहाँ पे एक चीज़ देखा था, स्वॉर्ड, बहादुर शाह जफर की स्वॉर्ड और स्कैम्बर्ड. ये देखो ये एक्चुअल स्वॉर्ड है, आप लोग देख सकते हो ये एक्चुअल स्वॉर्ड है हमारे लास्ट मुगल बादशाह की. कश्मीरी गेट, ये एक्चुअल तोप का गोला है गाइस. वो टाइम पे जब तोपें यूज़ हुआ करती थी तो इस तरह के गोले मिले हैं जो हकीकत में दिखाते हैं कि भाई वो टाइम पे क्या सिचुएशन थी. और ये आपने अगर मेरे कश्मीरी गेट वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया जो कश्मीरी गेट पे वो कैनल वॉल से जो अटैक किया गया था, कैसे बड़े बड़े होल्स थे, उसकी भी वीडियो मैं डाल दूंगा. और ये जो गोल आप यहाँ पे देख रहे हैं कैनन बॉल्स, ये वो टाइम पे वहीं से निकाली गई है. तो अगर आपको एक्चुअल देखना है वहाँ पे इस तरह के गोलों का क्या इफेक्ट हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उन लोगों को मार रहे थे वहाँ से, गोले बम चला रहे थे हमारे जो वहाँ पे सैनिक जो फ्रीडम फाइटर्स छुपे हुए थे उनके ऊपर. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है हमारे बहादुर शाह जफर का गाउन, वो टाइम पे जो गाउन वो पहनते थे आप देख लो, एक्चुअल गाउन है अगर आप, एक्चुअल गाउन है बहादुर शाह जफर का. ये देखिए आप गाउन ऑफ बहादुर शाह जफर. यहाँ पे आप देखेंगे क्वींस स्कर्ट, मेंशन नहीं कि किस क्वीन की है, बट यहाँ ये उस टाइम के क्वीन्स स्कर्ट है, एक्चुअल ड्रेस है जो वो टाइम पे वो पहना करती थी, ये स्कर्ट है एक्चुअली. ये देखिए
सकते हो 1857 के रिवॉल्ट में पिस्टल्स हैं, वो अंग्रेज़ों के टाइम की, ये रियल पिस्टल्स हैं आप अगर देखोगे तो, पिस्टल्स वो टाइम के खंजर आप कह सकते हैं जो कि वो टाइम पे यूज़ हुआ करते रहे होंगे। पिस्टल देखो वो टाइम की, ओह क्या लग रही है यार चलाने में, देखो ना उसके बुलेट्स कहाँ से लगाते रहे होंगे, क्या क्या करते रहे होंगे। ये एग्स देखिए वो टाइम पे, इस तरह की एग्स भी हुआ करती थी, कुल्हाड़ी हुआ करती थी जिसको वो लोग यूज़ किया करते थे लड़ाई के टाइम पे। यहाँ कैप्चर ऑफ दिल्ली कैसे हुआ था वो टाइम पे रेड फोर्ट कैसा दिखाई देता था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन की गई हैं और कोशिश की गई है कि जो लोग यहाँ पे आए अगर जिनको इंटरेस्ट है वो इन सब चीज़ों को देख के समझ के चीज़ों को महसूस और याद कर सकता है। ये देखिए शहजादों की दिन दहाड़े हत्या, वो टाइम पे जब जैसे हमें पता है कि बहादुर शाह जफर के दोनों जो लड़के थे उनको किस तरह से जब ब्रिटिशर्स ने जब उनको पकड़ा था तो किस तरह से उन्होंने वो टाइम पे उनकी हत्या की थी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। खूनी दरवाज़ा जहाँ पे उनको मार के बाद में लटकाया गया था, फ्रॉम एम्परर टू प्रिजनर, ये 1857 में एम्परर से जब प्रिजनर बने थे वो बहादुर शाह जफर। ये फ़ोटो आपने काफ़ी जगहों पे देखी होगी गूगल पे और काफ़ी बुक्स में, ये एक्चुअल में इस रेड फोर्ट में जब जहाँ कभी किसी टाइम पे वो राज करते थे इस रेड फोर्ट में, इसी रेड फोर्ट में उन्होंने बहादुर शाह जफर के ऊपर मुकदमा चलाया था। चलो यहाँ से निकलते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी 1857 का पूरा बिल्डिंग, ये डेडिकेटेड है 1857 के रिवॉल्ट में इंडिया में वो टाइम पे कहाँ कहाँ किस किस सिटीज़ में क्या क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर करने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है। वॉइस ओवर भी चलता रहता है, तो आप अगर आएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ आके और इन चीज़ों को देख के और महसूस कर। अगर इस वाली बिल्डिंग में पूरा जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में, यहाँ से लेते हैं एग्जिट। Thank you.